उत्तर प्रदेश सरकार जहां सड़कों के गड्ढा मुक्त करने को लेकर तमाम तरह के दावे कर रही है, तो वहीं जनपद शाहजहांपुर पीलीभीत को जोड़ने वाली सड़क अब भी उसी बदहाल स्थिति में नजर आ रही है। बता दें कि लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद का यह गृह जनपद भी है। अब ऐसे में समझने वाली बात यह है कि आखिर जब जमीनी हकीकत कुछ ऐसी है तो सरकार किस आधार पर गड्ढा मुक्त सड़कों को होने के दावे कर रही है? क्या यह पूरी योजना इस इलाके में कागजों तक ही सीमित है? खराब है, बहुत खराब है, दिक्कत होती है आने जाने में, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए तो खराब है, गड्ढा मुक्त करवाना चाहिए, रोड सही करवानी चाहिए। अच्छा, रोड तो कोई सही नहीं है कि 100% गड्ढा मुक्त हो चुका है? अरे अभी कुछ नहीं हो चुका है। यहाँ जो भी संस्था होती है वो कहते हैं, लेकिन यहाँ का कार्य नहीं होता है। यहाँ लेपन जो है फड़ुए को द्वारा किया जाता है, जिसमें कोई रोलर या किसी प्रकार की मशीन दिखाई नहीं जाती है। रोड निकलना मुश्किल पड़ जाती है, चौमाधम पानी करती बहुत हुई। अच्छा, योगी सरकार कह रही है जहाँ तक गड्ढा मुक्त 100% हो चुका है। गड्ढा मुक्त कहाँ हुए? गड्ढा मुक्त कहीं नहीं हुए, रोड नए बन रहे हैं, पुराने कोई रिपेयरिंग हो नहीं रही। ग्राम हरियरपुर से खुटार तक पूरी रोड जो है वो जर्जर है, टूटी हुई है। हम किसानों को इतने परेशानी हो रही है कि यहाँ पर इतने सारे गड्ढे हैं कि गन्ना ले जाने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है, और यह सरकार बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही है। सर, ये सरकार की नाकामी है और ये गड्ढा मुक्त नहीं है, इसमें चलने में बहुत दिक्कत होती है।